तो स्वागत है आप सभी लोगों का होची मिन सिटी में। और आज हम लेंगे बाइक टूर, जो कि हमारा 1 बजे शुरू होएगा और 4 घंटे तक वो बंदा आपको बाइक पे घुमाएगा। प्राइसेस वगैरह मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या है। पूरी होची मिन सिटी वो बाइक पे घुमाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हो भाई, बारिश हो रही है, वो बंदा हमको रेनकोट पहना के घुमाएगा। जैसे यहाँ पे लोग घूमते, जैसे मेरे पीछे क्या देखो बाइक वाला जैसे आगे आ रहा है, ऐसे घूमेंगे अगर बारिश हो रही होगी तो। तो 1 बजने में अभी लगभग 50 मिनट, तो हम जा रहे हैं पहले खाना खाने, इंडियन रेस्टोरेंट ये रहा, और खाना खा के फिर हम चलेंगे बाइक टूर पे। तो भाई हम खाना खा रहे थे, 1 बजते ही मैसेज आ गया कि भाई मैं आपके होटल पे आ चुका हूँ, जल्दी आ जाओ। हमने कहा भाई 10 मिनट रुक जा, एक और मसाला पापड़ ऑर्डर कर रखा है, आ रहे हैं आ रहे हैं। तो वो कह रहा है भाई मैं नहीं रुकूंगा, आना तो आ जाओ वरना दफा हो जाओ, चलो भाग जाओ यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं कहा भाई, कह रहा आराम से आ जाओ, कोई बात नहीं। तो अब हम जा रहे हैं स्कूटी टूर पे, जो पूरे हो ची मिन्ह में घुमाएंगे। और ये रेस्टोरेंट भाई, रेस्टोरेंट की जो शेफ है यहाँ पे वियतनामीज है भाई, इंडियन खाना बनाती है बिल्कुल मस्त। और भाई बड़ी मस्त सर्विस है यार, इतनी मस्त सर्विस बहुत ही कम रेस्टोरेंट्स में मिलती है। शाम को भी यहीं आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला रेस्टोरेंट क्या बिल है क्या है, और सस्ता भी बहुत है भाई। तो ये आ गई भाई अपनी स्कूटी। नो आई एम जस्ट, आज आ जाओ। ओके ये है यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट, विन विन स्ट्रीट है ये वाली, वॉकिंग स्ट्रीट है यहाँ की। यहाँ सारे क्लब्स वगैरह, रात को दिखाऊंगा ये तो खैर आपको अलग से। ओयो भी है भाई यहाँ पे, ये देखो ये वाली है विन विन वॉकिंग स्ट्रीट। देखोगे भाई यहाँ पे स्कूटीज का बहुत चाल चलन है, ये देखो कितनी ज्यादा है। देखो यहाँ बस ऐसे चलती है, जैसे और देशों में ट्रैम नहीं चलती, उनके अलग से, दे हैव डिफरेंट लेन्स। तो अभी हम जा रहे हैं भाई जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, वहाँ पे 2 जने और मिलेंगे और 4 जनों का हमारा ग्रुप होगा और फिर घुमाएंगे हमको। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे रोक लेते हैं लोग वैसे। तो भाई ये जो देख रहा अभी पोस्ट ऑफिस है इनका, ऐसे मतलब ये ना सोवियत टाइम के रेलवे स्टेशन होते थे ना, वैसा सा पोस्ट ऑफिस बना रखा है इन्होंने। मतलब इन्होंने क्या, बहुत पुराना पोस्ट ऑफिस है ये। अंदर से देखो भाई, थोड़ी हैरी पॉटर वाइब्स दे रहा है। ये देखो रेलवे स्टेशन बनना शुरू हुआ था 1886 में और वहाँ लिखा है 1891 में ख़त्म हो गया था बनना। बाजी रेलवे स्टेशन था पहले ये, यही तो आप सुन नहीं रहे थे, ध्यान दिया करो बाजी, पहले ये रेलवे स्टेशन था, फिर इसको पोस्ट ऑफिस बना दिया। और अब मतलब पोस्ट ऑफिस का भी बहुत ही कम यूज़ रह गया, क्योंकि ये कह रहा है ईमेल वगैरह आ गया, वो तो खैर पूरी दुनिया की बात है। वो जो आपको इंसान दिख रहा है वो भाई, उनका नाम है हो ची मिन्ह, जिसके नाम पर सिटी है वो। मतलब इन्होंने इंडिपेंडेंट दिलाने में काफ़ी हेल्प करी थी इन्होंने। और एक और चीज़ भाई, यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे दिल्ली में साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। तो डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 3 उसके लोग अभी भी इसको साइगोनी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले फ्रेंच पीपल आए थे, 96 ईयर्स तक रूल किया था उन्होंने, और उन्होंने नाम रखा था इस सिटी का साइगोन। तो वो फ्रेंच पीपल ने काफ़ी डेवलप करा था इस सिटी को, तो इसलिए वो बड़ा प्यार करते थे उनसे, मतलब फ्रेंच पीपल को बड़ा लाइक करते हैं। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट 1 में और डिस्ट्रिक्ट 3 में जो लोग अभी भी रहते हैं ना, वो इस सिटी को साइगोनी बोलते हैं। तो ये कहते हैं, अगर हमसे कोई कहता है ना साइगोन आ जाओ, तो इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट 1 या फिर डिस्ट्रिक्ट 3 में आ जाओ। जो हमारा होटल है बिन बिन स्ट्रीट है वो डिस्ट्रिक्ट 1 में है, और अभी हम डिस्ट्रिक्ट 3 भी जाएंगे। तो मतलब इस सिटी का नाम अगर आप साइगोन भी कहोगे तो सब पूरे वियतनाम के लोग समझ जाएंगे कि हो ची मिन्ह सिटी के बारे में बात हो रही है। लो भी मी ज़्यादा आ गया। Where is my
भाई आ जाएगा भाई आ जाएगा। अरे ये नहीं ना, ये भाई आ जाएगा, देखो बहुत बड़ा है। तो ये है भाई बर्निंग मॉन्क का स्टैचू। और इनकी मैं इसकी बताऊं तो भाई, इन्होंने बुद्धिज्म को बचाने के लिए यहाँ पे खुद को आग लगा ली थी। खैर बहुत लंबी कहानी है। 1963 में इन्होंने इसी चौराहे पे बैठ के अपने आप को आग लगा ली थी। और इन्होंने कहा था अगर मैं आगे की तरफ गिरा तो बुद्धिज़्म यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा साउथ वियतनाम में, और आज पीछे की तरफ गिरा तो करेगा। तो इन्होंने अपने आप को गाड़ी के पेट्रोल वाले से आग नहीं लगाई थी, प्लेन में जो पेट्रोल डलता है उससे आग लगाई थी, क्योंकि वो पेट्रोल स्लो जलता है, धीरे धीरे चलता है। तो 15 मिनट तक ये जलते रहते यहाँ पे, और आखिरकार जलने के बाद इनकी बॉडी पीछे की तरफ गिरी थी। तो इनका स्टैचू यहाँ पे 2007 में बनाया गया था। तो ये भाई असली फोटो है। ये बता रहे कि वियतनाम में तो कैमरे वगैरह होते नहीं थे उस टाइम पे 1963 में। तो ये एक अमेरिकन फोटोग्राफर ने फोटो ली थी भाई, असली फोटो है ये। और ये इन्होंने बताया कि ये जो मॉन्क था इनका हार्ट है, ये जलने के बाद हार्ट बच गया था। और फिर हार्ट को इन्होंने 4000 डिग्री पे जलाने की कोशिश करी, पर ये जला नहीं और पत्थर बन गया। भाई यहाँ देखो ये पानी की टंकी, ये मेरी नानी के गांव में भी अभी भी, और अभी भी यूज़ होती है हमारे नानी के गांव में, तो इनके यहाँ यूज़ नहीं होती। और ये बस इन्होंने डेकोरेशन के लिए लगा रखी है। तो भाई यहाँ पे ना दिखाने लाया हमको अपार्टमेंट, जहाँ पे नॉर्मल वियतनामी लोग रहते हैं, जो जिनके थोड़े पैसे कम होते हैं। पर ये मतलब बिल्कुल इंडिया जैसा ही है, तो कुछ चौंकने वाली बात हमारे लिए थी नहीं। और उन्होंने बताया नीचे सब दुकानें वकानें होती हैं, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर सबसे महंगा है वो, फिर ऊपर वाले फैमिली रहते हैं, सबसे ऊपर वाले बूढ़े लोग रहते हैं क्योंकि उनकी कोई फैमिली नहीं होती। और भाई ऊपर वाले अपार्टमेंट सबसे सस्ते होते हैं। और एक और रीज़न बताया कि ऊपर शोर कम होता है और फ्रेश एयर ज़्यादा होती है। तो यार ये सब हमारे लिए काफ़ी नॉर्मल है इंडियन लोगों के लिए, तो हम इतना मतलब सरप्राइज नहीं है। हमारे साथ दो स्विस बंदे हो रहे हैं, ये थोड़ा सरप्राइज हो रहे थे। तो ये है भाई सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट यहाँ का, डिस्ट्रिक्ट 3 और डिस्ट्रिक्ट 1 दोनों बहुत पुराने हैं। तो यहाँ पे एक फ्लैट, इतनी पुरानी खंडर टाइप बिल्डिंग है बिल्कुल, और एक फ्लैट यहाँ पे लगभग 2 करोड़ रुपए का है, 2 करोड़ इंडियन रुपीस का है। तो भाई मैं तो ना करी, तो 40 गज का घर है, 40-50 गज का घर है और 2 करोड़ का। हालांकि अंदर से काफ़ी अच्छे हैं घर, मैं कईयों के दिख रहे थे अंदर से, क्योंकि क्या है ना कि एक ही तरफ से खुला है, जहाँ से दरवाजा आने से घर का वहीं से खुला है बस, और पीछे से बंद है घर। तो यहाँ पे भाई ऐसे हैं घर, देखो मतलब बाहर से इतना मेंटेन नहीं है, पर फिर भी भाई अगर देखा जाए तो इतना कूड़ा नहीं है रोड पे, फिर भी अगर देखा जाए तो। तो ये देखो भाई चटाई जो है, ये मेरी नानी के घर पे अभी भी है, तो चटाइयां जैसे यहाँ पे लगी हुई है। तो भाई यहाँ पे हम आ गए फ्लावर मार्केट में। और अभी रुक जाओ, एक तो देखो भाई देखो मेरा। भाई ये हम आए फूलों की मार्केट में, हमसे पूछते कि भाई क्या इंडिया में ऐसी फूलों की मार्केट है, तो हमने कहा नहीं ऐसी तो नहीं है, मतलब बहुत बड़ी है ये, बहुत ज़्यादा बड़ी है। और ये पूछते स्विट्ज़रलैंड के जो दो बंदे हैं कि भाई एक गुलाब स्विट्ज़रलैंड में कितने का मिलेगा। अब मैं गया हुआ था, मैंने कहा मैं गेस करता हूँ, मैंने कहा 5 फ्रैंक का होगा, 400 रुपये, 8 फ्रैंक का एक गुलाब।
और यहाँ पे कहते इंडिया में कितने, मैंने कहा 20-22 रुपए का, 20-25 रुपए का दे देगा, कहते यहाँ पे भी इतना ही रेट है। तो देखो भाई फ्रेश है सारे। So hi everybody, it's Bonnie again. Okay, we take a picture. So we are in the biggest flower market right now. So the flower we use in here is for the set to celebration, for someone to open the new business. Also the daisy and tulip here we use for the offering to the God. And also one more thing that we also use the big chunk of flower right there for the funeral. Okay, so for funeral. चढ़ाते हैं ये जब बंदा मर जाता है, आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा गोला सा चढ़ा देते हैं ये, इंडिया में रीति रिवाज नहीं है इस चीज का, पर यहाँ पे है। तो जैसे इन्होंने ये बताया कि ये 3,50,000 डोंग का, वो है 4,50,000 डोंग का, और वो जो वहाँ पे वो 1,000,000 डोंग का, तो ठीक है रेट इंडिया जैसे ही है। अगर इंडिया में इतना लोग है तो भाई इतना तो मिलेगा, ये भी इतने इतने की होंगे। ये आ गए यहाँ पे इनकी फूड मार्केट में, देखो ऑक्टोपस मिल रहे हैं भाई यहाँ पे, ऑक्टोपस की टांग भाई साहब, और देखते रहो भाई यहाँ पे क्या है। बढ़िया है यार, गन्ने का जूस हो गया। हाँ वही तो पिलाने लेके आई है, गन्ने का जूस ही कह रहा था पिलाएगा, मैं भाई मार ले कौन मैंने सब इनके लिए ऐसी चीज हो। तो यहाँ पे हम आ गए भाई इनकी फूड मार्केट में, और मेरे को यार वियतनाम बहुत ही मस्त लग रहा है, कंबोडिया लाओस के मुकाबले तो भाई वियतनाम बहुत ही बढ़िया है यार, मज़ा आ गया मेरे को घूमने में पहले दिन ही, और मौसम भी मस्त है, मुर्गे दे पैर है। ये खा रहे हैं भाई स्विट्जरलैंड वाले जो हमारे साथ थे, ऑक्टोपस। भाई चले ही जा रहे हैं स्पीड पे, हमसे वादा किया गया है कि गन्ने का जूस पिलाया जाएगा, उस गन्ने के जूस के इंतज़ार में हम, क्योंकि ये ऑक्टोपस ये पता नहीं क्या क्या खाते हैं भाई ये लोग। चलो ठीक है यार, ये इनका खाना है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है, ऐसे जो जिसका खाना है भाई वो खाते हैं वो लोग। पर मार्केट देखो भाई, पर यार साफ़ सफाई भाई यहाँ देखो यार अब कितनी है, अगर ऐसी मार्केट भाई देखो फिर कहोगे यार ऐसी मार्केट अगर इंडिया में हो ना भाजी, भाजी खाने से ज़्यादा गंदी बदबू, सड़क नहीं दिखेगी, सिर्फ ऐसे लगा कि ये सड़क पूरे कागजों से बनी हुई है। देखो भाई कितना साफ सफाई है, और खाना इनका भाजी इंडिया वाला कहेंगे कितना बांस मारता है, पर बांस मार नहीं रहा इतना, हमें नहीं लग रहा हमारा नाक ही वैसा हो गया है। तो भाई शुगर केन जूस है, ये टूर के साथ इंक्लूडेड था तो हमको फ्री में मिला है, फ्री में नहीं मतलब पैसे हम टूर में ही दे चुके हैं। इंडिया में भी ऐसे लटका रखे होते हैं चिप्स बार परचून की दुकान के। क्या बाजी परचून ही कहते हैं? हाँ परचून ही तो बाजी। आज क्यों रहे हो बाजी? मॉडर्न बन हो गए, ग्रोसरी स्टोर करोगे? ग्रोसरी स्टोर। चाइनीज मंदिर में काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और यहाँ पे एक दरवाज़ा है, इसमें इसने कहा है कि इस दरवाजे के आर पार नहीं जाना, क्योंकि इतना बड़ा दरवाज़ा ना सिर्फ भगवान के लिए बनाया गया है, और कई टूरिस्ट यहाँ पे आके सेल्फी वेल्फी लेते थे, कहते हैं उनके साथ बुरा हुआ,
मतलब अब इतना तो कोई नहीं ध्यान रखना है, पर हाँ कहा है कि सिर्फ दरवाज़ा भगवान के लिए बनाया है इतना बड़ा, यहाँ चाइनीज़ गॉड्स। अब इनकी हिस्ट्री तो इतनी पता नहीं है, पर अच्छा लग रहा है घूमने में। यहाँ लिखा है भाई, जो भी डोनेशन करके जाता है ना उसका नाम लिखते हैं, उसकी फैमिली का लिखते हैं, और फिर कितनी डोनेशन करी वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है, ये कुछ लिखा है, और डोंग कईयों के साइड में लिख रखा है 2 लाख, और देखो जैसे इसके 1 लाख, ये 50,000 डोंग डोनेट कर, 50,000 कुछ भी नहीं होता भाई, 2 ही डॉलर होता है, 2 लाख। एक मैंने 8 लाख भी देखा था, 8 लाख। पूरी दीवार है देखो, इस तरफ भी है उस तरफ भी है। तो भाई यहाँ पे हमको चाइनीज़ गॉड्स के बारे में काफ़ी दी जानकारी। अब मैं वो सब कुछ तो वीडियो में नहीं बता सकता कि भाई ये खुद आप आके पूछोगे देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे टेंपल काफ़ी सही लगा मेरे को, ये चाइना का चाइनीज़ जो है ये मतलब सही है, शांति अपना आराम से कभी कभार शांति में बैठना चाहिए। हर टाइम क्लब्स के बाहर डीजे वाले में मज़ा नहीं आता, कई बार शांति में मज़ा आता है। ये सारी मार्केट है भाई चाइना टाउन की, देखो भाई कितने स्कूटर हैं, अभी हो रखी है, इतने तो इंडिया में भी नहीं होते। देखो सारी दुकानों के नीचे चाइनीज़ में भी लिखा है, मतलब जहाँ आप दुकानों के नाम पढ़ोगे तो चाइनीज़ में भी लिख रखा है। ये देखो भाई मेरे पीछे कितनी ये पड़ी हैं स्कूटियाँ, और आगे भी इतनी सारी हैं भाई, देखो देखो भाई क्रॉसिंग देखना चाहते हुए। ये देखो तो मेरे साथ थे बार्नी पूरे 4 घंटे के लिए। Yeah, now we have time to say goodbye, but we have long time with them right here. Yeah, bye. तो भाई ये टूर कभी भी आप बुक कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा साइट, वहाँ से आप बुक कर सकते हो, $25 का था, और ठीक है यार अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने 4 घंटे बाइक को बिठा घुमाएंगे, 4-5 जगह दिखाएंगे जो जो आपने वीडियो में देखी, तो अपना सही है, फन है अपना।